हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जिंदगी में बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं जो हमें ईश्वर की सत्ता और अदृश्य शक्ति पे विश्वास दिलाने को मजबूर कर देते हैं। विनीता देवी की नातिन के जन्म के 14 साल बाद 2008 को उनकी बेटी को बेटा हुआ। सारा घर बहुत खुश था। 2 महीने बाद 1 जनवरी को वो सारा परिवार शिरडी गया साईं बाबा के दर्शन करने। वहां से लौटने के करीब 2 सप्ताह बाद एक दिन उसकी बेटी को सर दर्द हुआ। दर्द की दवा देने के बाद भी उसे आराम नहीं आ रहा था। अगले दिन फिर उसे बेहद पीड़ादायक दर्द होने लगा। उसे लेकर हॉस्पिटल भागना पड़ा। जांच कराने भी पता चला कि उसे मेनिनजाइटिस हुआ है। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मन में विचार आता था कि क्या करें, क्या शिरडी जाना माफिक नहीं आया, क्या भगवान पे आस्था बेकार है। विनीता देवी की नातिन इंटेंसिव केयर यूनिट में थी। जब डॉक्टर ही परेशान थे तो उनकी परेशानी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। उसकी अस्वस्थता की खबर डेली न्यूज़पेपर में छपी। एक दिन वो परेशान बैठे थे कि हॉस्पिटल में पीले रंग का कुर्ता पजामा पहने एक साधु वहां आया। ताज्जुब की बात यह है कि तमाम सिक्योरिटी सिस्टम को चीरता हुआ वो वहां तक पहुंचा कैसे। उसने न्यूज़पेपर दिखाकर पूछा कि इस बिटिया से मिलना है मुझे। आश्चर्य की बात थी कि विनीता देवी की नातिन का बिस्तर दरवाजे के ठीक सामने भी नहीं था। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, सारी सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ता हुआ एक साधु हॉस्पिटल पहुंचा और न्यूज़पेपर दिखाकर उसने पूछा कि इस बिटिया से मिलना है मुझे। ताज्जुब की बात थी कि विनीता देवी की नातिन का बिस्तर दरवाजे के ठीक सामने भी नहीं था। 2 लोगों को छोड़कर सीधे उन तक पहुंचना भी हैरानी की बात थी। वो इतने परेशान थे कि लगा कि कहीं ये व्यक्ति हमें ठगने तो नहीं आया। विनीता देवी के दामाद जी ने कहा, बाबा हमें माफ करें, हम आपको कोई आर्थिक मदद नहीं कर पाएंगे। साधु ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 मिनट इसे आशीर्वाद देना चाहता हूं। पशोपेश में वो ना भी नहीं कर पा रहे थे। वो बच्ची के बिस्तर पर बैठकर उसके बालों में उंगली फिराते रहे। 5 मिनट बाद उठे और बोले, इसे अभी बहुत तेज बुखार चढ़ेगा, चिंता मत करना। विनीता देवी की बेटी उन्हें 51 रुपए देने लगी पर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। वो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनके जाने के बाद बच्ची चैन से सो गई। शाम को उसे तेज बुखार चढ़ा। उसकी हालत देखकर सारे डॉक्टर परेशान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक क्या हुआ। उन्हें लगा कि पता नहीं वो साधु क्या कर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठीक होती चली गई। आज तक ये रहस्य सभी के समझ से परे है। ये क्या था, चमत्कार था कि कुछ और? बातें और भी करनी है। मैं हूं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील और हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, विनीता देवी की नातिन का मामला एनर्जी हीलिंग का मामला है। एनर्जी हीलिंग का इतिहास सदियों पुराना है। इस सिस्टम में बीमार व्यक्ति के आसपास की नकारात्मक सिचुएशंस में बदलाव लाया जाता है। हीलिंग कई लेवल्स पे दी जाती है। नॉर्मल एनर्जी हीलिंग में हीलर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को संचालित कर मरीज के आभा मंडल में ऑरा में प्रवेश करा देते हैं। दोस्तों, यहां प्रार्थना की शक्ति भी काम करती है, जिसमें हीलर प्रार्थना करता है कि मरीज ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। ये 3 लेवल का प्रोसेस होता है, ट्रीटमेंट होता है, जो कि मरीज, हीलर और अदृश्य शक्ति के बीच घटता है। इस ट्रीटमेंट में सबसे पहले रोगी के ऑरा को ठीक किया जाता है, जिसमें वो हीलिंग स्वीकार करने योग्य हो जाए। इसके बाद आभा मंडल पे ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऊर्जा ग्रहण करने वाले व्यक्ति के आभा मंडल और मस्तक पे ऊर्जा को प्रवाहित किया जाता है, एक फ्लो बनाया जाता है। ये प्रवाह, ये फ्लो मरीज को महसूस होता है। इस ट्रीटमेंट में, इस विधि में अपनी तर्क बुद्धि के बजाय अंतर आत्मा की आवाज पे ध्यान देना पड़ता है। जटिल समस्या के समाधान के लिए बीमार व्यक्ति के ऑरा में भी हाथ डालना पड़ता है। इससे आपके हाथ से हीलिंग का प्रभाव सक्रिय होकर मरीज पे पॉजिटिव असर डालता है। दोस्तों,
ये एनर्जी हीलिंग का मामला सदियों पुराना है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक बात का जिक्र लगातार किया जाता है कि हमारे आसपास कुछ अदृश्य सहायक शक्तियां मौजूद रहती हैं। जरूरत पड़ने पर वो मदद के लिए मौजूद रहती हैं, उपस्थित हो जाती हैं। देवदूत या एंजल भी इन्हीं में से एक हैं। इन्हें भगवान का मैसेंजर भी कहा जाता है, संदेशवाहक भी कहा जाता है। माइथोलॉजी के अनुसार ये शुद्ध आत्माएं होती हैं जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होती हैं। ऐसे कई मिसाल मिले हैं जिसमें मनुष्य के रूप में ही कई व्यक्ति इस तरह मौजूद होकर सहायता कर देता है, जिसका पता हमें बाद में चलता है। विनीता देवी की नातिन को ठीक करने के लिए ऐसा ही हीलर व्यक्ति आया। उसने बीमार बच्ची को 5 मिनट तक हीलिंग दी, पहले शांति मिलने और नकारात्मक ऊर्जा दूर होने के कारण लड़की शाम तक सोती रही और उसके बाद तीव्र बुखार और कंपन से ग्रस्त होकर नॉर्मल हो गई। कोई भी चीज अपना स्थान छोड़ती है तो उथल पुथल होना नेचुरल है। दोस्तों, बातें बहुत सारी करनी है, हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, कभी कभी व्यक्ति को ऐसे अनुभव होते हैं जिनकी भौतिक जगत के ज्ञान के आधार पर स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता और कई बार वो ऐसे अनुभवों का साक्षी होता है। हरिओम हरिओम की तेज ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी और कैलाश की माता जी ने सोचा कि उतनी ऊंची आवाज में तो उनके पति मंत्रोच्चार कभी नहीं करते। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने अपने पति से पूछ ही लिया, आखिर इतना तेज क्यों बोल रहे हैं। उनके पति के चेहरे पे उस समय अलौकिक चमक थी। वो बिल्कुल धीमे स्वर में बोले, देखो सामने मेरे प्रिय मुझे लेने आए हैं, चारों तरफ कितनी तेज रोशनी है, मेरा शरीर हल्का हो रहा है। इसके फौरन बाद ही वो शांत हो गए। उनके चेहरे पे शांति और बच्चे के समान एक मासूम मुस्कान थी। कैलाश और उनकी मां तब भी नहीं समझ सके कि आखिर हुआ क्या। जांच करने के बाद पता चला कि उनके पिताजी प्राण त्याग चुके थे। कैलाश और उनकी मां ये नहीं समझ पाए कि आखिर हुआ क्या था। क्या हुआ था ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, कैलाश और उनकी मां को ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर हुआ क्या। चेक करने के बाद उन्हें पता चला कि कैलाश के पिताजी ने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों, खास प्रोग्राम के लिए अचानक कैलाश को दिल्ली आना पड़ा था। रात को पिताजी से बात हुई, वो सेंटिमेंटल होकर कहने लगे कि अपने जीवन के मकसद को पूरा करना, गायन के क्षेत्र में बुलंदियां हासिल करना। आम तौर पर कैलाश के पिताजी धीमे सुर में बोलते थे, लेकिन उस दिन उनके तेज उच्चारण पे कैलाश की माताजी को हैरानी हुई और वो पूछने लगी, जबकि पिताजी उस समय किसी दूसरी दुनिया में विचरण कर रहे थे। सिर्फ शरीर कैलाश और उनकी माताजी के सामने था, प्राण चलने की तैयारी कर चुके थे। उनके पिताजी जो कह रहे थे वो भी किसी को लक्ष्य करके नहीं बल्कि अपने आप से कह रहे थे, लेकिन यह आभास कैलाश को अब होता है। इस आभास का मतलब क्या है, इसका विश्लेषण क्या किया गया है, यह मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, मनुष्य जीवन में दो ही स्थितियों को स्वयं व्यक्त नहीं कर पाता है, एक जन्म क्योंकि उस समय वो स्वयं अबोध होता है, दूसरी मृत्यु जिसका वर्णन करने के लिए वो शेष नहीं रहता। आखिर जीवन और मृत्यु क्या है, इस बात पे लंबे समय से रिसर्च चल रहा है। अंत आखिर किस चीज का होता है, अगर शरीर नश्वर है तो शरीर और मन प्राण को कौन संचालित करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने मृत्यु को गहन विश्राम यानी निद्रा की स्थिति माना है, इसी तरह निद्रा को भी अल्प मृत्यु माना जाता है। कैलाश खेर के पिताजी का अनुभव
मरणासन्न व्यक्ति का अनुभव है, जिसे बिरले व्यक्ति ही महसूस और अभिव्यक्त कर पाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मृत्यु की प्रथम अवस्था में व्यक्ति भयंकर शारीरिक और मानसिक यंत्रणा में गुजरता है। इस अवस्था में क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। हेलो एंड वेलकम अगेन, मैं हूं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील और हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मृत्यु की प्रथम अवस्था में व्यक्ति भयंकर शारीरिक और मानसिक यंत्रणा में गुजरता है। इस अवस्था में व्यक्ति के अंगों पर से मस्तिष्क द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण खत्म होने लगता है। चेतना के तीनों केंद्र नाभि, हृदय और मस्तिष्क में पीड़ा आरंभ हो जाती है और नाभि हृदय को प्रभावित करती है। उसके सांस लेने छोड़ने की क्रिया भी समाप्त हो जाती है। मृत्यु की इस दूसरी अवस्था में व्यक्ति की आंतरिक चेतना बनी रहती है। योग शास्त्र में इसे मृत्यु मूर्छा कहते हैं। इसी अवस्था से पहले व्यक्ति को विचित्र अनुभव होते हैं। इस प्रकार के अनुभव में व्यक्ति की दिवंगत प्रिय लोगों से मुलाकात होती है। अद्भुत दृश्य, रोशनी, आनंददायक अनुभव उससे मृत्यु की भयंकर यातना से मुक्ति दिलाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मृत्यु के बाद हमारे स्पिरिट गाइड यानी देवदूत यानी एंजल्स भी हमारे साथ होते हैं। कई व्यक्तियों का मत है कि नींद के समय हम मृत्यु के बेहद करीब होते हैं। इस वक्त हमारी आत्मा अस्थाई रूप से शरीर को छोड़कर आकाश में विचरण करने लगती है, जैसा कि मृत्यु के बाद होता है। लेकिन ऐसे अनुभव सिर्फ उन्हें होते हैं जिनकी अंतः चेतना का विकास बहुत बुलंद स्तर तक हो चुका हो। दोस्तों, कभी कभी व्यक्ति को ऐसे अनुभव होते हैं जिनकी भौतिक जगत के ज्ञान के आधार पर डेफिनेशन नहीं की जा सकती, और कई बार वो ऐसे अनुभवों का साक्षी होता है। बातें बहुत सारी करनी है, हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं से दूर हमारे भाग्य में विधाता ने क्या लिखा है हम नहीं जानते। ऐसे में कोई घटना ऐसी घटती है जो हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। यह घटना करीबन 1970 की है। सतीश उस समय स्कूल में पढ़ता था, उसका फिजिक्स का पेपर था। उन दिनों मिट्टी के तेल की बहुत किल्लत थी, बड़ी मुश्किल से मिलता था। राशन में तेल मिलता तो था लेकिन बड़ी मुश्किल से। सतीश को स्टोव में तेल डलवाना था। वो स्टोव लेकर एक दुकानदार के पास जा रहा था, तभी रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उसके चेहरे पे हल्के से चेचक के दाग थे। उसने सतीश को रोका और उसे कहने लगा कि उस दुकानदार के पास मत जाओ, वहां पे तेल मत डलवाओ, मेरे साथ चलो, घर पे कुछ सामान रखा है, तुम्हारे पिताजी से बात हो गई, मैं तेल भी डलवा दूंगा और सामान भी ले जाना। सतीश उस व्यक्ति के साथ चल पड़ा। वो एक घर में सीढ़ी चढ़कर ऊपर चला गया। वो व्यक्ति एक घर में सीढ़ी चढ़कर ऊपर चला गया। उसके चढ़ने का भाव ऐसा था मानो हवा में उड़ रहा हो। कुछ देर बाद वापस आकर बोला, लाओ स्टोव मुझे दे दो, तुम पान ले आओ। सतीश ने स्टोव उसे दे दिया और पैसे लेकर गली के नुक्कड़ तक चला गया। सतीश ने पान वाले को पैसे दिए तो वो बोला, ये कौन से जमाने के पैसे हैं। सतीश वापस मकान तक गया लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। सतीश सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। एक सज्जन बाहर निकल आए। वो कौन थे, वहां क्या हुआ था ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों, सतीश सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। एक सज्जन बाहर निकल आए तो सतीश ने उस व्यक्ति का जिक्र करते हुए अपना स्टोव मांगा। वो व्यक्ति बोले, यहां तो ऐसे हुलिये का कोई रहता ही नहीं, यहां पे कोई आया भी नहीं। डर के मारे सतीश की रूह कांपने लग गई। सबसे दुखद यह हुआ कि सतीश का पेपर बिगड़ गया। वो हायर सेकेंडरी में साइंस विषय लेकर डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मेडिकल के बजाय मुंबई की फिल्म नगरी उसे अपनी ओर खींच रही थी। अवचेतन में छिपी डॉक्टर बनने की इच्छा के कारण ही सतीश को अक्सर
ऐसे सपने आते हैं जैसे पेपर छूट गया हो, कभी स्कूल नहीं पहुंच पाता तो कभी पेन की स्याही खत्म हो जाती है। एक सपना 6 साल पहले सतीश कौशिक को बार बार दिखता। वो कहीं जा रहा है, वहां एक बड़ी सी कॉलोनी है, पास कहीं एक पानी का झरना गिर रहा है। हाईवे से मुड़ते ही लगा कि यहां उसकी बहन का घर है। इसी दौरान उसके बच्चे की मृत्यु हुई थी, लेकिन इस सपने का अर्थ सतीश नहीं समझ पाया। अब इन घटनाओं का एनालिसिस क्या है, विश्लेषण क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, सतीश कौशिक की पहली घटना से स्पष्ट संकेत मिलता है कि हम कर्म जरूर करते हैं, लेकिन भाग्य के लिखे को बदलना हमारे बस में नहीं। इसी वजह से हमें निर्धारित रास्ते पे लाने के लिए अलग अलग तरह की रुकावटें आती हैं। इसका माध्यम कुछ भी हो सकता है। माइथोलॉजी के अनुसार हर व्यक्ति के आसपास कुछ सहायक देवदूत होते हैं जो जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता करते हैं। वो हमारे जीवन में कभी दखलअंदाजी नहीं करते, लेकिन जरूरत पड़ने पर मदद जरूर करते हैं। इस संदर्भ में आर्च एंजल का जिक्र करना बहुत जरूरी है। इनकी प्रमुख जिम्मेदारी भगवान का संदेश मनुष्य तक पहुंचाने की होती है। इसी तरह हमारे ईस्टर्न मैथोलॉजी में देवदूत होते हैं जो हमारे जीवन में रोशनी लाते हैं ताकि सही रास्ते का चुनाव कर सके। हमारे सपने हमें क्या कहते हैं, क्या कम्युनिकेट करते हैं, इस पे बातें और भी करनी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अगर कोई सपना बार बार आए तो ये हमें सतर्क करने वाला होता है। एग्जाम्स में फेल होने का अर्थ होता है कि आपने गलत रास्ते का चुनाव किया है या आपकी ऊंची महत्वाकांक्षाएं आड़े आ रही हैं। अपना कोर्स या अपनी दिशा बदल लें, आप पास हो जाएंगे और आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। सतीश कौशिक का दूसरा सपना महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। नॉर्मली हाईवे देखना कठिनाई का सूचक होता है, लेकिन सतीश हाईवे से बाईं तरफ टर्न लेते हैं और आसपास ही अपनी बहन के घर का एहसास करते हैं। हाईवे देखने का कष्ट उन्होंने बच्चे के खोने के रूप में पाया जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन बाईं ओर मुड़ना और एक कॉलोनी और झरना देखना खुशियों का सूचक है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं से दूर हमारे भाग्य में विधाता ने क्या लिखा है हम नहीं जानते। ऐसे में कोई घटना ऐसी घटती है जो हमारे जीवन की दिशा ही बदल देती है। बातें बहुत सारी करनी है, हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, किसी भी घटना के होने से पहले सपने में या किसी और तरह से उसे घटते देखें और बाद में उसके होने पे अचंभित रह जाएं। ये याद करने की कोशिश करें कि जो देखा था वो क्या था। कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ मीता को। दोस्त की बात सुनकर मीता बेहद हैरान हुई। रात को चोर उसके ड्राइंग रूम की खिड़की का शीशा काटकर उसका महंगा स्टीरियो सिस्टम चुरा कर ले गए। जिस समय चोरी हुई उस वक्त बारिश हो रही थी। इस मामूली सी बात से मीता के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस रात उसके साथ भी विचित्र अनुभव हुआ। यह घटना लगभग 16 साल पुरानी है। उस वक्त वो चंडीगढ़ में रहते थे। रात को सोते समय अचानक मीता की आंख खुल गई। उसे बड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। वो उठकर ड्राइंग रूम में आई, बाहर काफी देर तक खिड़की के पास खड़ी रही। जहां वो खड़ी थी वहीं उस वक्त का लेटेस्ट मॉडल का स्टीरियो रखा हुआ था। कुछ LP रिकॉर्ड भी रखे हुए थे। उसने उन्हें छुआ और कमरे में वापस जाकर सो गई। अगले दिन सुबह उसकी दोस्त ने आकर यह किस्सा बताया। उस रात बारिश भी बहुत कम देर के लिए हुई थी, लेकिन उसने पानी बरसता देखा था और उसके पास कोई स्टीरियो नहीं था। उस रात घबराहट में उठना और बेचैनी अनुभव करना आज भी उसे हैरान कर देता है। आखिर मीता के जागने और चोरी का समय एक होने के बीच रहस्य क्या था, इस पे बातें करेंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, ऐसी ही एक और घटना मीता को याद आती है। मीता के एक परिचित हैं,
उनसे बातचीत करते हुए जाने अनजाने उन्होंने एक दूसरे के मेल आईडी और पासवर्ड भी जान लिए। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मीता को अंदर से कुछ महसूस हो रहा था कि उससे कहीं कुछ छुपाया जा रहा है। उसने इस बारे में उनसे पूछा भी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक रात को सोते समय मीता को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में कहा कि कंप्यूटर खोलो एंड गो टू ट्रैश। उसने फौरन उठकर कंप्यूटर खोला और ट्रैश में देखा। वहां जो सामग्री थी उससे उसका शक यकीन में बदल गया। वो सब मीता के महत्वपूर्ण और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे। उसने इन सारे कागजों का प्रिंट आउट निकाला और अगले दिन अपने परिचित के सामने रख दिया। आखिर किसने मीता को अलर्ट किया और खबरदार किया? ये रहस्य आज भी अनसुलझा ही है। आज भी मीता को पता नहीं चल रहा कि किसने उसे अलर्ट किया। इसका एनालिसिस करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील, और हम बातें कर रहे हैं आपके दिल की गहराइयों से। दोस्तों, मीता की इन दो घटनाओं से एक बात स्पष्ट है कि मीता में अतींद्रिय अनुभव की क्षमता बेहद तीव्र है। वो इस अतींद्रिय बोध के कारण अक्सर कई घटनाओं को होने से पहले ही देख लेती है। इस घटना को एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन भी कहते हैं, ईएसपी भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति पांचों इंद्रियों की सहायता के बिना ही अचेतन के द्वारा सूचना पा लेता है। यह विषय सदियों से चर्चा का विषय रहा है और इस पे काफी रिसर्च भी हुआ है। तो दोस्तों, क्या सचमुच व्यक्ति इस तरह से सूचना प्राप्त कर सकता है? बातें करेंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, क्या सचमुच व्यक्ति इस तरह से सूचना प्राप्त कर सकता है? अतींद्रिय प्रत्यक्षण को 1930 में डॉक्टर जे बी राइन ने ईएसपी का नाम दिया। ईएसपी का मतलब है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ईएसपी को चार लेवल पे बांटा गया है, जिसमें से एक है पराचित बोध यानी टेलीपैथी। किसी घटना के पूर्वाभास को प्रीकॉग्निशन कहते हैं। मीता में टेलीपैथी और प्रीकॉग्निशन की क्षमता है, इसी के कारण वो अपने जीवन की अनेक उलझनों को पहले से समझ सके। टेलीपैथी में एक व्यक्ति को विचारों और भावनाओं को ट्रांसमिशन तरंगों द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। प्रीकॉग्निशन में व्यक्ति किसी घटना को घटने से पहले ही समझने लगता है और उसका एहसास करता है। ये एक अति इंद्रिय संदेश है जिसे अंतरात्मा की आवाज भी कहते हैं। इसे किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु से जोड़ा जा सकता है। इस प्रक्रिया में पूरी घटना का आंशिक पूर्वाभास हो जाता है। कई बार किसी वार्तालाप को सुनकर लगता है कि इसे पहले भी सुना है। किसी जगह को देखकर लगता है कि इसे पहले भी कहीं देखा है। इसे देजावू कहते हैं, जिसका फ्रेंच में अर्थ है सीन बिफोर, पहले भी देखा है। दोस्तों, किसी भी घटना के होने से पहले सपने में या किसी और तरह से उसे घटते देखें और बाद में उसके होने पे अचंभित रह जाएं। ये याद करने की कोशिश करें कि जो देखा था वो क्या था। तभी तो मैं कहता हूं दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है। दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।